नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। तीन फेज का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। ऐसे में अब भी तर्क दिए जा रहे हैं कि बीजेपी लगातार फिसलती जा रही है और फिसलना लगातार जारी भी है। जो बीजेपी पहले मुद्दे और नैरेटिव सेट करती थी, आज वही बीजेपी रोने को मजबूर है और नरेंद्र मोदी जो देश के बड़े नेता थे और चुनाव बदलने का दमखम भी रखते थे, लेकिन इस बार न नरेंद्र मोदी का जादू है और ना ही वो करिश्मा जो जनता को उनके फेवर में मोड़ सके। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। चार चरणों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह साफ हो गया है कि बीजेपी को 400 सीटें नहीं आएगी और तुर्रा ये है कि 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी नहीं आ पाएगा। ऐसे में बीजेपी को कितनी सीटें आएगी और कितनी सीटें विपक्ष को आएंगी, इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। ऐसे में मोटा मोटा जो अनुमान जानकार लगा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। तमिलनाडु में लोकसभा की 40 सीटें, केरल में लोकसभा की 20 सीटें, कुल मिलाकर लोकसभा की 60 सीटें और इन दोनों राज्यों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली। देश के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ दो राज्य हैं जहां बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और राजनीतिक विश्लेषक खुलकर अब इन इस बारे में बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, कुल मिलाकर लोकसभा की सीटें हुई 76। इनमें से बीजेपी ने 68 सीटों पर 2019 में कब्जा किया था, लेकिन अब हवा का रुख पलट गया है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का बुरा हाल होने वाला है क्योंकि रेवन्ना और भ्रष्टाचार हावी हैं, मोदी का कोई असर नहीं है। जानकारों की माने तो कर्नाटक में बीजेपी 10 सीटें जीत सकती है, जबकि 2019 में 25 सीटों पर यहां कब्जा किया था। उसी तरह 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर 41 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार शिवसेना नहीं है और हालात खराब हैं क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक गलती भारी पड़ रही है और महाराष्ट्र में बीजेपी 20 सीटें जीते तो बहुत गनीमत होगी। अब हम बात करते हैं यूपी और बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, कुल मिलाकर दोनों राज्यों में 120 सीटें। इनमें से बीजेपी ने 103 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार हालात बिहार में भी खराब हैं और यूपी में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। यूपी में बीजेपी 50 के नीचे खिसक कर आ सकती है और बिहार में तो आधे की बात चल रही है, मतलब मान लीजिए औंधे मुंह बिहार में बीजेपी गिरने वाली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी पस्त होती जा रही है। अब जिन राज्यों की हम बात करेंगे उनके नाम हैं झारखंड और बंगाल। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, कुल मिलाकर लोकसभा की 56 सीटें। कहा जा रहा है कि बीजेपी झारखंड और बंगाल दोनों जगह पर 3 से 12 सीटें हार रही है। ऐसे में एक और मुद्दा उनके लिए खतरनाक बना है और वो है संदेश खाली का मुद्दा, जो बीजेपी के लिए उल्टा दांव पड़ सकता है और दोनों जगहों पर बीजेपी बुरी तरीके से हार सकती है। अब इन जिन दो राज्यों की हम बात करेंगे वो राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें, कुल मिलाकर लोकसभा की 35 सीटें और इन दोनों राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 35 की 35 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है और अगर कम से कम पर अनुमान लगाया जाए तो भी राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी 15 सीटें हार सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है देश की राजनीति में। इसके साथ ही साथ पंजाब और दिल्ली में बीजेपी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी कई सीटें गंवा सकती है। दोनों राज्यों को जोड़ा जाए तो चंडीगढ़ के साथ 21 सीटें बैठती हैं। पंजाब में बीजेपी साफ है और दिल्ली में जो क्लीन स्वीप किया था वो आज आधी सीटें गंवाने की हालत में बीजेपी आ गई है, तो यहाँ पर भी नुकसान है। तो आप समझ सकते हैं कि कहां कहां बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और इसी से नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी बहुमत तो दूर की बात है, 200 पार पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर भी देखना होगा कि आगे क्या होता है और 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। लेकिन आप कुछ भी कह लें, इस बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोनों मुश्किल में जरूर है।